Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing well. So welcome to all of you in our health awareness week. Myself Manoor Sajid by profession. I am a cosmetologist and today is my co-host जो कि मेरे साथ अभी अवेलेबल है एंड शी इज देयर. जी सिस्टर नूरुलैन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. नूरुलैन हियर एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट. यस, आई एम योर को होस्ट. तो आज, जैसा कि आपको पता है कि हमारी आज की जो वो पॉडकास्ट है वो स्किन केयर हेल्थ अवेयरनेस पे है. और आपको पता है कि हमारी आजकल की सारी जो है वो फीमेल्स जो है इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है. तो इसी के रिलेटेड जो है वो हमने पॉडकास्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है. यस मानूर. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आजकल हमारे लिए स्किन कंसर्न्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, फीमेल्स के लिए हो, चाहे वो किसी भी एज से रिलेटेड हो, चाहे वो यंगस्टर्स हो और चाहे वो टीनएजर्स हो, चाहे वो किसी भी एज में हो, हर किसी के लिए जो है उनकी स्किन मैटर करती है. अच्छा, एक चीज ये है कि जिस तरह हम लोग शादियों वगैरह पर, आजकल शादी सीजन चल रहा है, देन पार्टीज, आउटिंग्स वगैरह होती हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज देख रहे होते हैं कि हमारा ड्रेस, मतलब हमारी ड्रेसिंग अच्छी हो, हम लोग अच्छा दिखें, अच्छा पहने. जाहिर सी बात है, आप रिप्रेजेंटेबल लगते हैं. देन उसके बाद जो है हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी, जाहिर सी बात है, ड्रेस हो गई. देन हमारी प्रायोरिटी क्या होती है कि हमारी स्किन भी यंग दिखे, हमारी स्किन अच्छी दिखे, ग्लोई स्किन दिखे. जाहिर सी बात है, आपकी स्किन अच्छी नहीं दिख रही तो आपकी शख्सियत के अंदर वो निखार जो है वो दिख भी नहीं रहा होता लोगों को. मतलब हम लोग जो है वो, आज हमारा हेल्थ अवेयरनेस वीक स्टार्ट हो चुका है और हमारा इसको करने का मकसद ये था कि हम लोग आप लोगों की लाइफ में इस चीज का एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सके कि हमारी हमारे लिए हमारी स्किन को अच्छा जरूर लगना कितना जरूरी होता है. तो सिस्टर नूरलैन, आप इस बारे में क्या कहती हैं? यस मानूर, आपने बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा है. ऐसा ही है, आजकल हर कोई जो है फीमेल्स वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके, आप कॉम्प्लेक्स इसको बोल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी कुछ टीम में से अपने कुछ एफिलिएट्स को एग्जैक्टली इनवाइट करना चाहूँगी जो कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. सो हेयर आई वुड लाइक टू इन्वाइट सईदा फरियाल अली एंड माजबीन. ओके. अस्सलाम सो सिस्टर वालेकुम. फरियाल एंड माजबीन आर देयर. और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी सिस्टर अस्मा को और सिस्टर साइमा अरशद को. ये वो एफबीओज हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर जो है वो बहुत सारी चीजें फेस की हुई हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनको भी, जाहिर सी बात है, हर इंसान को स्किन इश्यूज भी होते हैं, स्किन बहुत लोगों की अच्छी भी होती है और उनको एक्सपीरियंस होता है बहुत ज्यादा. तो ये वो कुछ लोग हैं जिनको जो है वो प्रोडक्ट्स के साथ या फिर अपनी ओके, तो यहाँ पर मैं सिस्टर सईदा से एक सवाल पूछना चाहूंगी. ऑब्वियसली यहाँ पर जो है फीमेल्स को हर तरह के स्किन इश्यूज हो जाते हैं. ठीक है, तो उनको काफी कंप्लेन भी करती हैं. तो मैं यहाँ पर सईदा फरियाल अली से पूछना चाहूंगी कि आपको अपनी लाइफ में ऐसा कौन सा स्किन इशू रहा है, ठीक है, जिसमें आपने कोई ऐसा आपको पूरी लाइफ में मतलब उसको बहुत ज्यादा आपको इरिटेट किया हो और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए ऑब्वियसली आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट भी यूज किया हो. लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, ऐसा कौन सा स्पेसिफिक प्रोडक्ट आपने यूज किया हो जो आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो? हाँ बिल्कुल नूरुलैन, मैं यहाँ पे ये चीज़ शेयर करूँगी. मुझे हमेशा से ना स्किन इशू रहा है, हमेशा से, बिकॉज़ आई हैव ऑयली स्किन और मेरी स्किन हमेशा से एक्नी प्रोन रही है. और अभी तक, मतलब सिंस माय टीन्स, और अभी तक मुझे एक्नी का इशू रहता है. तो उसमें ये था कि जब, जाहिर है बहुत पुरानी बात है, जब मेरी ड्यूरिंग यू नो आई वॉज गेटिंग मैरिड, उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा, मेरा पूरा चेहरा ना एक्नी से भर गया था. तो उस वक्त जो मैंने इलाज करवाया, ऑब्वियसली वही है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं. सॉरी एवरीवन, इंटरनेट इशू, कुछ
साउंड डिस्टरबेंस आ रही है जी। तो मैं जब एक्ने की ट्रीटमेंट के लिए गई डॉक्टर के पास, तो उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा हार्श ट्रीटमेंट प्रोवाइड की थी, और जिसका मुझे कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं हुआ था, क्योंकि 6 महीने लग के मैंने एक इलाज करवाया, उसके बाद दोबारा मुझे रिलैप्स कर गया था, और दोबारा मेरा पूरा चेहरा, मेरे चीक्स जो है ना, रेड रहते थे एक्ने से, और बहुत पेनफुल भी था। तो अब अग्रेसिव इलाज की मैंने अभी बात की, उसमें ये हुआ था कि एट दैट टाइम आई वॉज नॉट मैरिड, लेकिन मेरी डॉक्टर ने मुझे वार्न किया था कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड, तो ये जो मेडिसिन आप ले रही हैं उसकी वजह से आप 2 ईयर्स तक आप फैमिली प्लान नहीं कर सकते, या अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हैं तो आप 2 ईयर्स तक चाइल्ड को फीड नहीं करा सकते। तो आप सोचें कि वो दवाएं कितनी ज़्यादा हार्मफुल थी, और वो मैंने ली क्योंकि आई हैड टू यू नो डू माई ट्रीटमेंट, और लेकिन इतने साल गुजरने के बाद भी अब मुझे इतना ज़्यादा एक्ने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ओकेजनली जो नो वंस अ मंथ मुझे जॉ लाइन के पास एक्ने आ जाता है कभी, या फोरहेड पे कभी आ जाता है, तो वो मुझे पता चला कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। लेकिन वही बात है कि मैंने इतने साल अपना एक्ने का इलाज कराया, तो कभी भी मेरे डॉक्टर ने ये चीज़ पॉइंट आउट की ही नहीं के हॉर्मोन्स की तरफ उसका भी ट्रीटमेंट किया जाए। ये मुझे बाद में बात पता चली जब फॉरएवर से मैं इंट्रोड्यूस हुई और मुझे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स का पता चला, तो आई वाज अमेज्ड, क्योंकि उससे मुझे जो रिजल्ट्स मिले हैं माशाल्लाह, आई वाज वेरी सेटिस्फाइड। और ना सिर्फ हार्मोनल इश्यूज, बल्कि ऑब्वियसली जैसे जैसे हार्मोन्स मेरे सेट होते गए, मेरी स्किन भी माशाल्लाह सेट होती गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्लैड टू हियर दैट। तो मैंने आपको, जैसे कि आपने बताया कि आपको एक्ने इशू रहा है, तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि एक नॉर्मल मेडिकेशन में और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में आप क्या, मतलब उसको किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगी? हाँ देखो, एक तो यही चीज़ मैं कहूँगी कि वो जो मैं इलाज करा रही थी वो कितना ज़्यादा एग्रेसिव था, यानी आप सोचें कि इतने ज़्यादा केमिकल्स और एक तरह से पॉइजन आपकी बॉडी में, कि मेरी डॉक्टर ने स्ट्रेट अवे मुझे 2 ईयर्स तक कहा कि यू कैन नॉट कंसीव, यू कैन नॉट ब्रेस्ट फीड, तो आप सोच सकते हो वो कितना हार्मफुल होगा। एक तो ये चीज़ थी। दूसरा जो मुझे जो चीज़ लगी कि मतलब उन्होंने मेरे इंटरनल इश्यूज़ को एड्रेस ही नहीं किया। व्हाट शी वाज डूइंग वाज के कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट, मेरे ख्याल से वो ऑन द सर्फेस आपका इलाज कर रहे होते हैं, अंदर से जो इशू होता है, जो मेन इशू होता है उसको एड्रेस ही नहीं करते। तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में जो था, एक ये चीज़ थी जो डिटॉक्स की थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं वो प्रोडक्ट दिखाना भी चाहूँगी। दिस इज़ कॉल्ड एलोबेरी नेक्टर। ये बेसिकली एलोवेरा जेल मेनली इसमें है ऑर्गेनिक, 99.7% प्योर एलोवेरा यूज़ होता है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में। और इसके साथ जो है, जैसे कि बेरीज यहाँ पर मेंशन है, तो इसमें जो है क्रैनबेरीज और सर्टन डिफरेंट अदर बेरीज ऑल्सो इज इंक्लूडेड इन दिस। इसमें क्या है कि एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, दिस इज़ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन एंटी ऑक्सीडेंट्स, दिस इज़ एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी। और इस पर्टिकुलर ड्रिंक का जो बेनिफिट है वो ये है कि ये आपको अंदर से आपको क्लेंस करता है, ना सिर्फ क्लेंस करता है बल्कि डिटॉक्स करता है आपकी बॉडी को, और हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है। ये फीमेल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हार्मोन्स और आपकी इंटरनल बैलेंस जब हो जाता है ना, तो अल्टीमेटली वो चीज़ आपके स्किन पर रिफ्लेक्ट होती है। एक तो मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही थी, दूसरा आई वॉज़ यूजिंग दिस, अगर नज़र आ रहा हो तो, फॉरएवर एलो स्क्रब। इसकी जो खास बात है, मैं ये कहूँगी कि ऑयली स्किन पे और स्पेशली जो एक्नी प्रोन स्किन होती है उस पर स्क्रब आप यूज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप वो जो उसमें टाइनी ग्रेन्स होते हैं स्किन के अंदर, वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं, उल्टा और ज़्यादा एक्नी निकलना शुरू हो जाती है। सो दिस वॉज द ओनली स्क्रब, बिकॉज दिस इज़ 100% ऑर्गेनिक एंड प्योर, ये मुझे बहुत सूट किया है। ये इतना ज़्यादा माइल्ड है और वंस अ वीक मैं इसको यूज़ करती हूँ और बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट आता है इससे। तो बहुत फ़र्क है सिंथेटिक प्रोडक्ट में और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों से शेयर किया है। थैंक यू सो मच सईदा फरियाद अली। नाउ कम टू अस्मा बतूल। मैम अस्मा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपको पता है कि डिफरेंट स्किन टाइप्स होती हैं, ऑयली होती है, किसी की सेंसिटिव स्किन होती है, तो मेनली यहाँ पे मैं सेंसिटिव स्किन की बात करूंगी, क्योंकि जो लोग हैं वो मार्केट में जाकर डिफरेंट प्रोडक्ट्स ले लेते हैं और उनकी स्किन जो होती है वो, किसी की स्किन जो होती है वो इन्फेक्शन हो जाता है, बर्न भी हो जाती है। तो मैं यहाँ पे आपको पूछूंगी कि हमारे प्रोडक्ट में से ऐसा कौन सा स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जो सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो या बेनिफिशियल हो?
अच्छा, माशाल्लाह से सब भी अपने यहाँ पे रिव्यू दे रहे हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है सेंसिटिव स्किन के लिए, और ख़ासतौर पर ये जो बर्न वगैरह के लिए, तो एलोवेरा जेली जो है वो बहुत ज़बरदस्त एक प्रोडक्ट है हमारी, और वो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। तो बाकी जो मैं उसको पर्सनली भी यूज़ करती हूँ, और ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए भी, और ख़ासतौर पर ड्राई जो आपकी स्किन हो जाती है उसके मॉइस्चराइजर के लिए बहुत ज़बरदस्त एक प्रोडक्ट है, और पर्सनली मैं यूज़ भी कर रही हूँ। लेकिन जो मेरी जो फेवरेट प्रोडक्ट है और जिसका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, वो डेफिनेटली एलो सक्रा भी है। बिकॉज के मेरी अपनी जो स्किन है वो भी ऑयली थी, और मैं बेसिकली होम रेमेडीज के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करती थी, और यू नो के बेसन वगैरह और हल्दी वगैरह को वो मैं यूज़ करती थी अपनी स्किन को, बिकॉज़ यहाँ पे मेरे डार्क सर्कल्स हो जाते थे, डार्क स्पॉट्स वगैरह, तो इसके लिए मैं यूज़ करती थी ताकि मेरी स्किन जो है वो थोड़ी ब्राइट लगे, और इस तरह का मेरा जो कम्प्लेक्शन है वो थोड़ा डार्क ना हो, तो इस वजह से मैं यूज़ करती थी। लेकिन जब से मैं इंट्रोड्यूस हुई एलोवेरा के एलो स्क्रब से, फॉरएवर के एलो स्क्रब से, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये जो मेरा स्किन के ऊपर, और अभी लोग पूछते भी हैं मुझसे कि ये आपने अपने स्किन के ऊपर, ये फेस के ऊपर क्या चीज़ आप यूज़ करती है कि इतनी ग्लोइंग आपकी जो है वो स्किन है फेस की, और जो मेरे स्पॉट्स थे ब्लैक वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसका मुझे काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं, अब नज़र नहीं आते इस तरह। तो मैं तकरीबन ट्वाइस अ वीक इसको यूज़ करती हूँ, रूटीन है मेरी तकरीबन ये, मैं तकरीबन 7-8 महीने से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने कभी डिले नहीं किया, कभी इसमें मैंने ब्रेक नहीं लिया कि मैं इसको ख़त्म कर दूँ। और इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है, जोजोबा जो इसका इंग्रेडिएंट है, उसका जो इफेक्ट है ना, कि वो जो स्क्रब वैसे तो हम यूज़ करते हैं, और उनके जो अंदर वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपकी स्किन को ना, स्किन को बहुत रफ सा ऐसे कर देते हैं जब आप स्क्रब कोई भी यूज़ करते हैं। लेकिन फॉरएवर के जो स्क्रब है उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं और जो पार्टिकल्स हैं वो राउंड शेप में, यानी आपकी फेस को एक सूदिंग इफेक्ट देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचा है, और इंशाल्लाह ताला जो भी इसको यूज़ करेगा वो इंशाल्लाह ताला उससे उसको भी इससे फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा, मुझे जहां तक बिलीव है जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो नाउ कम टू सिस्टर साइमा। तो मैं आपसे ये पूछूंगी, जैसे कि आप हाउस वाइफ हैं, राइट? अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ साइमा अर्शद, और जी बिल्कुल नूरुलैन, मैं हाउस वाइफ हूँ, और आज मैं भी अपना प्रोडक्ट से रिलेटेड रिव्यूज शेयर करूंगी। मेरी स्किन बहुत ड्राई थी, और एज यू नो कि अभी विंटर सीजन गुजरा है, तो विंटर में स्किन को बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज करने की जरूरत होती है। तो मैं स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारे लोशंस वगैरह और बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी थी जो मार्केट से लेके मैंने यूटिलाइज की, लेकिन मुझे उनका कोई बेनिफिट नहीं मिला। और कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम था कि आफ्टर जो है प्रेगनेंसी मेरी स्किन पे पिगमेंटेशन यहाँ पे हो गई थी, जिसकी वजह से इसको छाइयाँ बोलते हैं हम यहाँ पे, तो वो भी कुछ ड्राइनेस की वजह से और कुछ ड्राई स्किन की वजह से ज्यादा मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी। कुछ इंटरनल इश्यूज भी थे, बट ज्यादातर ये भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने अभी जब फॉरएवर के प्लेटफॉर्म को यूज किया, और मेरी ये थर्ड बॉटल है, अगर मैं इसको पैकिंग एरिया मॉइस्चराइजिंग लोशन फॉरएवर का, ठीक है ये, और मैं इसका एलो प्रॉपलिस क्रीम जो इसकी डीप मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, इफ यू कैन सी, मैं ये दोनों क्रीम्स यूज करती हूँ, और इन्होंने मुझे इतना बेनिफिट दिया है कि पूरे विंटर में मेरी स्किन जो थी वो ड्राई नहीं हुई, पैचेस नहीं हुई, इनफैक्ट मेरा कलर ब्लैक हो जाता है ड्राई स्किन होने की वजह से। तो मुझे ये प्रॉब्लम भी नहीं हुई इन क्रीम्स को यूज करने की वजह से। और सबसे जो मेरी फेवरेट प्रोडक्ट है वो है एलो सनस्क्रीन। ये मैं प्रोडक्ट मेरी ये थर्ड प्रोडक्ट है जो मैं इसकी यूज कर रही हूँ ये,
इन अ ईयर। तो ये भी मेरी फेवरेट प्रोडक्ट है, इनफैक्ट कि ये मेरे बच्चे भी ये प्रोडक्ट यूज करते हैं। इसका मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि समर्स में तो ये हमारे काम आती है, लेकिन विंटर्स में भी हम लोगों को प्रॉब्लम होती है सनडेज की वजह से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको धूप में बैठते हैं, विटामिन डी लेने के लिए भी कुछ लोग जो है धूप का यूज करते हैं। तो ऐसे हालत में आपको पता है कि स्किन के ऊपर आपको उसकी केयर की जरूरत होती है, तो स्किन की केयर के लिए जो है वो ये एलो सनस्क्रीन इज द बेस्ट। और इसमें जो है अगर मैं बात करूं तो इसका SPF 30 इसमें यूज हुआ है, ठीक है। और ये वाटर रेजिस्टेंट भी है, यानी कि अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, स्पोर्ट्स लेडीज स्पेशली जो धूप में खेलती हैं, उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल भी है। और दूसरी बात के जो स्विमिंग वगैरह करते हैं लोग, और जिनका पानी में ज्यादा जो लोग रहते हैं, जिनका पानी का प्रॉब्लम होता है, वो उनके अंदर क्लोरीन ज्यादा होता है जो स्किन को इफेक्ट करता है, तो ये उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है कि इसमें जो है ये वाटर रेजिस्टेंट है। और SPF 30 होने की वजह से ये 30 टाइम स्किन को प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करता है सन की रेजेस से, ठीक है। मेरे अपने बच्चे जो हैं वो जब जाते हैं पूल्स वगैरह में तो वो यूज करते हैं, और मैंने खुद इसका देखा है। मेरी बेटी का पूल में नहाने के बाद कलर बहुत डल हो जाता है, बट मैंने जब इसको यूज करना शुरू किया, उसको ये तकरीबन 80 मिनट तक आपकी स्किन पे स्टे करता है इफ यू आर इन वाटर, ठीक है। तो ये इसका भी मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है वो मिला है। बाकी मैंने इस प्रोडक्ट को बिफोर मेकअप भी यूज किया है। आपको पता है कि कोई भी स्किन है वो जब तक आप किसी स्किन के ऊपर अगर 50 लाख का भी मेकअप कर लोगे ना, तो वो आपकी अपनी स्किन फ्रेश नहीं है तो वो बिल्कुल भी असर नहीं करेगा, वो लगेगा नहीं, आपकी स्किन ही आप खुद फ्रेश नहीं लगोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी स्किन फ्रेश है, हेल्दी है, तो आप खुद सोचो, अगर आप 5,000 वाला भी मेकअप अपनी स्किन के ऊपर करते हो ना, तो वो आपको सूट करता है, ठीक है, वो ग्लो देता है आपको। तो मैंने इसको बिफोर मेकअप भी यूज किया है, और बिफोर मेकअप यूज करके भी मैंने, आपको पता है स्किन के जो पोर्स होते हैं उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो जब मैं इसको मेकअप से पहले यूज करती हूँ तो मेरी स्किन बहुत ज्यादा फ्रेश लगती है, ठीक है। और ये पोर्स को क्लोज करने में भी मदद देती है, एक थिक लेयर होती है। बहुत सारी बाजार की जो क्रीम्स हम यूज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्किन को वाइटी सा कर देते हैं, बट इसका ये बेनिफिट है कि इसके आपकी स्किन वाइट नहीं होती है, ये एक नॉर्मल टेक्सचर देती है आपकी स्किन के ऊपर। और अगर आप इसको यूज करने के बाद कोई भी फाउंडेशन या किसी किस्म का भी मेकअप यूज करते हैं, तो वो आपके फेस पे ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होने देता, वो नेचुरल लुक देता है आपको। जी सिस्टर नूर, माई साइड इज डन। थैंक यू सिस्टर साइमा। अच्छा तो यहाँ पर मैं अब, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर महाजबीन। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तो अब आपको पता है कि मार्केट में काफी इंस्टेंट ग्लो वाले, कोई इस तरह से आपने सुना होगा, इंस्टेंट फेशियल्स जैसे होते हैं, उनका बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट फॉरन से मिल जाता है, लेकिन बाद में कुछ टाइम के बाद या कुछ डेज के बाद ही इवन के आपकी स्किन इतनी डल और ड्राई हो जाती है कि आपको खुद ही बड़ा परेशानी होने लग जाती है कि ये क्या हो गया मेरी स्किन के साथ। तो आप बताना चाहेंगी कि फॉरएवर का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो मतलब उसको यूज करके इंस्टेंट रिजल्ट तो आता है लेकिन उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इवन बस वो बेनिफिशियल रहता है हमारे लिए लेकिन उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आता, तो आप अपना कुछ शेयर करना चाहेंगी? बात करूं अगर नूडलैंड में अपने स्किन की, तो मेरी स्किन अपनी जो है वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है, इतनी ज़्यादा ड्राई और रफ़ है, और ना मेरी स्किन एलर्जिक है। बचपन से ही मेरी स्किन बहुत ज़्यादा एलर्जिक थी, कि अगर घर में डस्टिंग हो रही है और मैं बाई मिस्टेक रूम में आ गई या कहीं बाहर चले गए आउटिंग पर, और वहाँ पर नो धुआं वगैरह और धूल मिट्टी सब हुई, तो उस पर मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा जल्दी अटैक्ट होता है, तो एलर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मेरे फेस पे रेडिश हो जाता है फेस, और छोटे 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 दाने पूरे फेस पर निकल आते हैं। तो उसके लिए मैं काफ़ी टेबलेट सिरप वगैरह यूज़ करती थी, बट वही एक चीज़ जो साइड इफेक्ट जो दे रही होती है आपको, अपना पता नहीं चलता उस वक्त, आपकी एलर्जी गायब हो जाती है, बट बाद में उसको जो है वो आपकी बॉडी में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाद में साइड इफेक्ट देती हैं। तो उसके लिए मैं जो यूज़ करती हूँ एलो जेली, ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, इवन आई लव दिस प्रोडक्ट। मैं इसको 6-8 महीने से यूज़ कर रही हूँ और उसके इतने ब्रिलियंट रिजल्ट मुझे मिले हैं कि मैं बता नहीं सकती। मेरी स्किन जो है वो सबसे ज़्यादा ग्लो होना स्टार्ट हुई है इससे, इतनी ज़्यादा ग्लो होना स्टार्ट हुई है। समटाइम मेरे हस्बैंड कहते हैं हो आज तो बड़ी चमक रही है, क्या बात है। इवन अगर हाँ, मैं मॉम हूँ, आई हैव 3 किड्स, तो जो भी लेडीज जो मदर हैं मुझे सुन रही हैं, तो अगर उनके बच्चे जो छोटे से होते हैं वो नेपीज वगैरह पहनते हैं तो उनको रैशेज हो जाते हैं,
तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है ये। और क्योंकि मैं खुद भी, मेरे बच्चे थे छोटे, तो इतनी सी छोटी सी क्रीम होती है, इतनी छोटी ट्यूब होती है, और वो मिलती है 1100-1200 रुपए के करीब, और निकलता है इसमें से थोड़ा सा ही है, इतनी सी अमाउंट निकलती है, और उस पर बकायदा लिखा हुआ होता है कि आप उसको थिक लेयर में यूज़ करो, मतलब 2 से 3 मरतबा यूज़ करो तो ये ख़त्म हो जाए। तो वही हमें 4-5 ट्यूब मंगानी पड़े, इससे अच्छा हम ये मंगाएं। और ये यूज़ करना इतना ईजी है, बिल्कुल छोटा मटर के दाने जितने आप यूज़ करो उसको आप लगाओ, और स्किन में आप देखो कितने अच्छे आपको रिजल्ट मिलते हैं इसके। तो ये बहुत ज़्यादा, ये मल्टीपर्पज़ है, एक तो ये एक्नी वगैरह के लिए भी यूज़ होती है, दूसरा अगर आपके बाल गिर रहे हैं, हेयर आपके जो है बालों में डैंड्रफ है, या फिर आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और एथलीट्स इसके बहुत ज़्यादा यूज़र हैं, क्योंकि जब हम वो रनिंग वगैरह करते हैं तो उनके पाँव में हीलिंग वगैरह हो जाती है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो मेरा तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है एलोजेली का, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गुजरा इससे, क्योंकि हम पैसे तो वैसे भी दे ही रहे होते हैं, तो क्यों ना हम ऐसी प्रोडक्ट मंगाएं जो हमें रिजल्ट भी अच्छे दे। तो एलोजेली इज माई फेवरेट वन। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर मैं सिस्टर सईदा से पूछूंगी उनके एक्सपीरियंस, ठीक है, जैसे कि उन्होंने पहले ऑलरेडी बता दिया कि उनको एक्नी इशू था, लेकिन मैं आपसे जैसे सईदा, ये सईदा फरियाल अली, कि जैसे कि आपको था इशू, ठीक है, आपने खुद भी यूज़ किया, लेकिन क्या आपके किसी रिलेटिव ने यूज़ किया और उनको अच्छे ऐसी प्रोडक्ट्स के बेनिफिट मिले हों, तो वो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी? बिल्कुल नूरुलैन, मतलब ये जो हमारी फॉरएवर की जो स्किन प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हवाले से नहीं है, बल्कि आपको अगर स्किन रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिजीज़ेस होती हैं बहुत सारी स्किन रिलेटेड, जैसे कि एक्जिमा होता है, सोराइसिस होता है, और ये वो डिजीज़ेस हैं जो एक दफ़ा अल्लाह ना करे किसी को लग जाए तो वो लाइफ टाइम के लिए आपको जो है ट्रीटमेंट उसकी लेनी ही पड़ती है, वो कभी आपको 100% क्योर नहीं मिलता इन चीज़ों से, अगर आप नॉट सिंथेटिक मेडिकेशन की तरफ जाएं। और अगर ये फैल जाती है चीज़ें तो बड़ी तकलीफदेह होती हैं, क्योंकि सोराइसिस, एक्जिमा, ये ड्राइनेस हो जाता है, ज़ख्म बन जाते हैं स्किन पे, बड़ा आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है इन चीज़ों से। तो मेरा जो भाई है उनके साथ ये इशू हो गया था, अचानक से उनको जो है ना एक्जिमा डेवलप हो गया था। तो वो एक अलग कहानी है कि क्यों हुआ था, मेरे ख्याल से वो उनकी वो जो कोविड वैक्सीन से वो इरप्ट हो गया था, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज वी डू नॉट हैव हिस्ट्री ऑफ एक्जिमा एट ऑल इन आवर जनरेशन। तो बहरहाल उनकी पूरी बॉडी जो है ना एक्जिमा से अचानक से भर गई थी। और ही लिव्स इन इस्लामाबाद, वहाँ के जो वहाँ का जो टॉप हॉस्पिटल है वहाँ से उन्होंने जो है ट्रीटमेंट करवाई अपनी, और 6 महीने तक कंटिन्यूसली वो ट्रीटमेंट करवाते रहे, लेकिन इम्प्रूवमेंट की जगह ना वो केस बिगड़ता ही गया, उनकी पूरी बॉडी भर गई थी। और अल्टीमेटली हुआ ये कि डॉक्टर्स ने कहा कि भाई ये तो कंट्रोल में आ ही नहीं रही किसी तरह से, फ्लेयर अप होए चले जा रही है, तो आप स्टेरॉइड्स ले लें। एंड माय ब्रदर वाज नॉट जस्ट इन फिजिकल पेन, ही वाज इमोशनली पेन, इमोशनली भी वो पेन, मतलब पेन से गुजर रहे थे, क्योंकि जाहिर है आपकी सोशलाइजिंग, आपकी जॉब, हर चीज़ अफेक्ट हो जाती है, आप कपड़े नहीं पहन पाते हो, मतलब पूरी बॉडी आप सोचो। तो स्टेरॉइड्स पे जब बात आई ना तो मतलब ही हैड इनफ, उन्होंने कहा कि नहीं अब मैं मजीद कोई मेडिकेशन ना मैं गले से उतारूंगा और ना मैं कोई मेडिकेशन अपने बॉडी पे लगाऊंगा, क्योंकि इनफ हो गया, फ़ायदा तो हो नहीं रहा है। अच्छा, मैं जो ना अपने भाई के 6 महीने से उनका इलाज चल रहा था, 3 मंथ्स फॉरवर्ड मैंने उनको कहा था कि भाई आप ये प्रोडक्ट्स यूज़ करो। तो यूजुअली होता क्या है कि लोगों का ना इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती, बिलीव भी नहीं होता कि अच्छा ये क्या है, क्या दे रही हो तुम मुझे, यू नो, तो वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब। फिर जब 6 मंथ्स हो गए फिर भाई ने मुझे कहा कि यस आई एम डन विद मेडिकेशन, तुम मुझे बताओ तुम क्या कह रही थी। मैंने कहा ओके। अब मैंने मेरे भाई का जो ट्रीटमेंट किया था, लेट मी शो यू, बेसिकली ये जो मैंने आप लोगों को एलोबेरी दिखाई है, दिस इज मिक्स्ड विद क्रैनबेरीज, राइट। एक हमारे पास होता है फॉरएवर एलो जेल, दिस इज प्योर स्टेबलाइज्ड 99.7% एलोवेरा प्योर, ये करता है एक्चुअल डिटॉक्स एंड क्लेंजिंग। भाई को मैंने ये प्रोवाइड किया, इसके अलावा आई डोंट हैव इट राइट नाउ, एलो प्रोपोलिस क्रीम, एलो प्रोपोलिस क्रीम और जो मैं जबीन ने अभी शो की थी एलो जेली, उसका मिक्सचर मैंने भाई को दिया था अप्लाई करने के लिए, एग्जैक्टली दिस वन। और एलो प्रोपोलिस क्रीम जो होती है उसमें एलोवेरा भी होता है और उसमें एक चीज़ होती है बी प्रोपोलिस, जिस तरह हनी बी पोलन प्रोड्यूस करती है उसी तरह बी प्रोपोलिस भी एक बी का
इंग्रेडिएंट है जो हनी बी से आता है, तो वो जो है उसके अंदर वो क्रीम्स भाई ने अप्लाई की एंड आई गेव हिम दिस टू ड्रिंक एंड माई ब्रदर वॉज मतलब वो अब इतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स उसके आए थे कि उसने कहा कि 6 महीने का मेरा ये इलाज एक तरफ और ये 6 दिन मैंने जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो एक तरफ, और उसका मेंटली जो स्ट्रेस से वो गुजर रहा था वो उसका रिलीफ हुआ, उसकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट्स आना शुरू हो गई। आई हैव पिक्चर्स, मतलब वो पिक्चर्स हमें देख के यकीन नहीं आता कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसको इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई थी कि इट वॉज़ अमेजिंग। तो 3 मंथ्स तक उनका ट्रीटमेंट चला था अल्हम्दुलिल्लाह एंड ही वाज क्योर्ड। माशाल्लाह, अच्छा बहुत अच्छा लगा सुन के आपका ऐसा एक्सपीरियंस। तो ओके सिस्टर रस्मा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आजकल हार्मोनल इश्यूज बहुत ज्यादा हैं एंड ड्यू टू हार्मोनल इश्यूज जो है वो फेशियल हेयर्स आ जाते हैं, ठीक है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाती है और उसकी वजह से ये भी होता है कि एक्नी ब्रेकआउट्स हो जाते हैं एंड इस तरह से जो भी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है आपकी फैमिली में या आपने खुद यूज किया हो जो हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा हो? सिस्टर आसमा काइंडली अपना माइक ओपन करके बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा सॉरी, मैं उधर देखा नहीं है मैंने। अच्छा जी, अच्छा मैंने जो अपनी फैमिली में 2 केसेस के लिए प्रोडक्ट्स यूज करवाई है, एक तो हार्मोनल बैलेंस के लिए के जो हेयर की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है कुछ लोगों की बॉडी के ऊपर, और दूसरी जो है एक्ने के लिए। और मेरे जो नेफ्यू थे उनको एक्नी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, और वो मेल है, ठीक है, लड़की है वो, तो उनको एक्नी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था फेस के ऊपर। वो यूज कर रहे थे डिफरेंट प्रोडक्ट्स, कभी कोई साबुन जो भी उनको डॉक्टर्स बताते या कुछ मतलब एक्सटर्नल ही वो यूज कर रहे थे। तो उनको फिर मैंने रिकमेंड की प्रोडक्ट्स अपनी, प्रोपोलिस क्रीम और एलोवेरा जेली, ठीक है, और उन्होंने यूज की और अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिले। और वो मेरे जो है वो बेस्ट आप कह सकते हैं कि कस्टमर है, आप हैप्पी कस्टमर उनको मैं नाम देती हूँ, कि वो मुझसे जो है वो बाकायदा वो वेट कर रहे होते हैं, जब उनकी क्रीम्स वगैरह खत्म होने से पहले ही वो मुझे ऑर्डर कर देते हैं कि आपने ये जो है वो मुझे मंगवा के देनी है, मैंने अपने पास रखनी है ताकि मुझे कोई भी इशू हो, क्योंकि हार्मोन का जो प्रॉब्लम है वो इंटरनल आपका चलता रहता है साथ साथ में, और उसको ठीक करने के लिए एलोवेरा जेली या तो आप यूज करें इंटरनली डिटॉक्सिफाई करने के लिए। लेकिन आपको पता है कि आजकल के बच्चे जो हैं वो पीने की चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे कोई एक्सटर्नल यूज के लिए आप बताइए। तो फिर मैंने उनको ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो रिकमेंड की थी और उन्होंने उसको यूज किया और बहुत ही जबरदस्त उनको रिजल्ट मिले, और वो अभी मेरे जो है वो हैप्पी कस्टमर हैं। इसके अलावा जो है वो हेयर की ग्रोथ जो है वो बाज लोगों में हो जाती है कि बहुत ज्यादा हेयर्स उनकी बॉडी पे आने शुरू हो जाते हैं, अक्सर मैंने देखा है बच्चों में बहुत ज्यादा ये है। तो उसके लिए फिर मैंने रिकमेंड की थी एलोवेरा जेली, और साथ में किड्स जो है हमारा एक न्यूट्रेंट है, एलो किड्स के नाम से हमारे पास न्यूट्रेंट है, तो वो भी हमने मैंने उनको रिकमेंड किया और उन्होंने यूज़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बहुत अच्छे रिजल्ट जो हैं वो मिल रहे हैं। अभी तकरीबन 1 मंथ ही उससे पहले यूज़ करवाई है मैंने उनको, और उसके अच्छे उनको रिजल्ट मिलने शुरू हो गए हैं। जी इंडीड FFB के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, खुद भी यूज़ करती हूँ। तो अब ये है कि सिस्टर सईदा से मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आपको पता है डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, और डिटॉक्स इनर डिटॉक्सिफाई जो होते हैं वो क्यों ज़रूरी है स्किन के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो अगर स्टमक हेल्दी रहेगा तो ऑब्वियसली हमारी स्किन भी हेल्दी नज़र आएगी। तो कुछ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी सिस्टर सईदा फरियाल अली कि आप कुछ इस तरह का कोई एक्सपीरियंस शेयर करें या ऐसी कोई प्रोडक्ट बताएं जो हमारे मतलब लोगों के लिए बहुत अच्छी रहे।
आई थिंक डिटॉक्स के हवाले से अगर आप पूछ रही हैं तो हमारा ये जो मैंने ये बताया आपको जो हमारा एलोवेरा जेल है इससे बेहतरीन प्रोडक्ट और कोई भी नहीं है डिटॉक्स के हवाले से, क्योंकि ये आपकी पूरी जो गट हेल्थ है उसको उसके लिए 100% रिजल्ट आपको ला के देता है। क्योंकि हम लोग डिटॉक्स ज़रूरी होता क्यों है, उसका रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा आलूदा माहौल में रह रहे हैं, हम इतनी आर्टिफिशियल ग़िज़ाएँ खाते हैं कि वो कहीं ना कहीं केमिकल्स और ये सारी चीज़ें टॉक्सिन्स जो है ना आपकी बॉडी के अंदर घर कर लेते हैं। तो उससे होता क्या है कि आप इस तरह की फ़िज़ा में सांस ले रहे हो, इस तरह की ग़िज़ा आप खा रहे हो, साथ में अगर आप कोई न्यूट्रिशनल चीज़ भी खा रहे हो या सप्लीमेंट्स भी खा रहे हो तो वो आपकी बॉडी में एक्चुअली लगता ही नहीं है। आई थिंक यू एंड मानूर बीइंग प्रोफेशनल्स, आप लोग के पास माशाल्लाह यू आर टेकिंग द डिग्री ऑफ कॉस्मेटोलॉजी, आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से समझा सकते हो कि आपका जो गट है या आपकी जो इनर हेल्थ है वो किस तरह डायरेक्टली रिलेटेड है स्किन से। क्योंकि जब तक आप अंदर से हेल्दी नहीं होगे वही चीज़ ना आपकी स्किन पर रिफ्लेक्ट करती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है, जब तक आप खुद की डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करेंगे, आप अंदर से साफ नहीं होंगे तो आपकी स्किन पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा और आपकी स्किन भी बिल्कुल यंग एंड हेल्दी नज़र नहीं आएगी। तो अब मैं सिस्टर महाजबीन की तरफ आऊँगी। सिस्टर महाजबीन, जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी फीमेल्स हैं जो कि होम रेमेडीज़ यूज़ करती हैं, जैसे कि सिस्टर असमा बतूल ने बताया कि वो इस तरह के कुछ घरेलू टोटके यूज़ करती रही हैं। तो मैं आपसे पूछूंगी, जैसे कि काफी लोगों को सूट करते भी हैं और नहीं भी करते हैं, और वो मतलब इस तरह से करते हैं कि मैंने ये चीज लगाई तो मुझे इस तरह का रिएक्शन हो गया। जैसे मैं बेसन की एग्जांपल लेती हूँ, तो किसी को वो सूट करता है एंड किसी को नहीं करता, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें मुझसे प्लीज। इस तरह के देसी टोटके मैंने खुद भी अपने ऊपर काफी अप्लाई किए हैं, क्योंकि स्किन एक ऐसी चीज है कि आपकी सारी अट्रैक्शन उसी से होती है। आपका चेहरा अगर अट्रैक्टिव नहीं है तो ओब्वियसली एक लेडी के लिए तो उसका चेहरा ही सब कुछ है। तो मैंने भी अप्लाई किया शादी से पहले भी, शादी के बाद भी करती आई, इवन वेट लॉस के हवाले से भी मैंने देसी टोटके काफ़ी जो है वो इस्तेमाल किए। बट हर चीज़ करने के बावजूद मेरी स्किन क्योंकि इतनी सेंसिटिव है, तो वो चने का आटा जो आप कह रही हैं वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें मेरी स्किन को टेम्प्ररी तो अगर लुक देती भी हैं तो ठीक है, बाद में वो और ज़्यादा ड्राई हो जाती थी। चने का आटा जब आप उतारो पानी से भी इवन धो तो आपको पता चलेगा कि आपकी फेस जो है वो कितना ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो ये चीज़ें उस तरह से असर नहीं देती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन ग्लो करे तो ओब्वियसली आपको उसको कुछ ऑर्गेनिक देना होगा, क्योंकि हम एक तो अपना डिटॉक्स करते नहीं हैं, हम जैसे रोज़ नहाते हैं वैसे हमारी बॉडी को भी अंदर से क्लीन होने की ज़रूरत है, तो वो हमारी पाकिस्तानी आवाम करती नहीं है। तो ये जो एलो जेली है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये आपको सिर्फ सरफेस पर जो है वो अप्लाई करने से सिर्फ सरफेस पर ही रिजल्ट नहीं देती, या आपको इनर जो है वो स्किन के अंदर जाके स्किन को टॉक्सिक करती है, या फिर आप कह लो कि साफ़ करती है, स्किन के अंदर तक जाके जो है वो आपका रिजल्ट देती है, स्किन नरिश होती है इसी वजह से। तो मेरे लिए तो ये सब जो है वो टाइम वेस्ट करने वाली बात है, कि अगर कोई कर रहा है इस तरह से तो ओब्वियसली वो अपना टाइम भी वेस्ट कर रहा है, चीज़ों को भी वेस्ट कर रहा है। इससे अच्छा वही चीज़ें आप जो है अपने खाने पकाने में इस्तेमाल करें, जो चीज़ लगाने की है आप वो लगाएं, इससे रिजल्ट मिलेगा। और मेरा क्योंकि एक्सपीरियंस रह चुका है और मुझे तो ये इतनी ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ है। आप जो है वो आप इसको एलो जेली आप उसको सूथिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हम जब लेडीज़ हैं थ्रेडिंग वगैरह करते हैं वैक्सिंग करते हैं, तो मेरी स्किन तो इतनी ज़्यादा रफ़ है और इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि मुझे तो ब्लीडिंग होना इवन स्टार्ट हो जाती है, तो उसके लिए भी मैं ये लगाती हूँ और इतना ज़्यादा स्किन जो है वो ठंडी हो जाती है, तो आइसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरे लिए तो बेस्ट है कि एलो जेली ही, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट मैं ये बात लाजमी करना चाहूँगी कि फीमेल्स को अपनी जो स्किन है वो लाजमी चेक करवानी चाहिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके, बल्कि उन्हें खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि उनकी स्किन किस टाइप की है, लेकिन वो खुद कुछ मर्जी जो भी घर में पड़ा वो लगा लेती हैं, तो ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए उन्हें सबसे पहले। तो ओके, नाउ कम टू साइमा, सिस्टर साइमा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि स्किन केयर रेंज एज अ हाउसवाइफ, क्योंकि हाउसवाइफ का जो आधा जो होता है टाइम वो किचन में गुजरता है, ठीक है, तो जिस तरह वो हीट पड़ती है और वो स्किन पे रेडनेस सी हो जाती है और फिर वो एक तो वो पसीना आ रहा होता है एंड इस तरह से, तो वो बिल्कुल केयर नहीं कर पाती। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ऐसा कौन सा आपका प्रोडक्ट जो है वो आप बताना चाहेंगे कि वो अपनी इस तरह के साथ साथ वो अपनी जो है वो स्किन केयर का भी ख्याल रखें, तो आप मुझसे ये शेयर करें।
जी बिल्कुल नूर, मैं एज अ हाउस वाइफ अगर बात करूँ, आपको पता है कि हाउस वाइफ का ज्यादा टाइम चूल्हे के आगे ही गुजरता है, ठीक है। आई एम अ मदर ऑफ थ्री किड्स, तो मेरा तकरीबन जो है वो 80% टाइम जो है वो मेरा चूल्हे के और किचन में ही गुजरता है। तो जैसे सिस्टर रस्मा ने बात की कि ये यूज कर रही है होम रेमेडीज, तो ऐसी रेमेडीज तो तकरीबन हर फीमेल कोई ना कोई टोटका जरूर करती है अपने लिए। तो मैंने पहले मैंने यूज करती थी एलोवेरा जेल को ही, ठीक है, सिर्फ जो प्योर एलोवेरा जेल होती है उसको यूज करती थी। बट उससे भी मुझे समटाइम ये लगता था कि मुझे ड्राइनेस हो जाती है फेस के ऊपर, क्योंकि मेरी ऑलरेडी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई थी, तो मुझे उससे भी ड्राइनेस फील होती थी। जब मैं उसको वॉश करती थी तो मुझे फिर काफी ज्यादा स्किन को मॉइस्चराइज करना पड़ता था। लेकिन अब मैं जो है वो एलो प्रॉपिस क्रीम, आप इसको देख सकते हैं कि ये देखिए ये डीप मॉइस्चराइजिंग है। तो मैं सबसे पहले इसको यूज करती हूँ, मेरी सुबह उठ के मॉर्निंग की रूटीन है कि मैंने सबसे पहले डीप मॉइस्चराइजिंग के लिए इसको यूज करना होता है फेस के ऊपर। एंड देन फिर मैं जो है वो सनस्क्रीन यूज करके फिर मैं किचन में जाती हूँ। इससे एक तो बेनिफिट मुझे ये होता है कि जो चूल्हे की हीट होती है वो डायरेक्ट अगर मेरे फेस पे पड़ती है तो मेरे रेडनेस हो जाती थी। इनफेक्ट यहाँ पे ये जो पार्ट होते हैं स्किन के, ये जलन होनी शुरू हो जाती थी, तो समटाइम इचिंग होती थी यहाँ पे बहुत ज्यादा। तो इस चीज से भी मुझे आजादी मिल गई है, मैंने सनस्क्रीन यूज करती हूँ तो मेरी अब स्किन जो रेडनेस होती है वो भी नहीं होती है। और जो मैं पहले एलोवेरा अकेली यूज करती थी और उससे जो ड्राइनेस होती थी वो भी अब मेरी इससे बहुत बेनिफिशियल हो गई है। आपको पता है कि एलोवेरा की जो प्रोडक्ट्स है, एलो फॉरएवर की सब प्रोडक्ट्स में एलोवेरा यूज हुई है, ठीक है, प्योर एलोवेरा यूज हुई है सब प्रोडक्ट्स के अंदर, और एलोवेरा हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बट हम लोग जो है अनफॉर्चुनेटली इसको डायरेक्ट अपने फेस के ऊपर यूज कर लेते हैं। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो इस टाइम मुझे देख रही होंगी और वो भी ये कुछ करती होंगी, ठीक है। तो डायरेक्ट एलोवेरा तोड़ी, लीफ तोड़ा, उसको निकाला जेल को और उसको फेस के ऊपर अप्लाई कर लिया, तो ये चीज भी आपके लिए प्रॉब्लम करती है। इसमें विटामिन ई शामिल है, इसमें जो है एलोवेरा की प्योर जेल शामिल है और ये काफी आपकी स्किन को नॉरिश करता है। मुझे भी ये प्रॉब्लम थी कि जब मैं चूल्हे के आगे से जाती हूँ तो मेरे ये चीजें रेड हुई होती हैं, बहुत ज्यादा रेडनेस हो जाती थी फेस के ऊपर, तो मुझे अब मेरे वो भी नहीं प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट मैं काफी इन चीजों से परेशान थी और मैंने डॉक्टर से भी सजेशंस ली थी कि मेरी स्किन जो है वो काफी रेडनेस होती है। मैं धूप में भी जाती थी तो मुझे ये चीज का प्रॉब्लम होता था। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह फॉरएवर की प्रोडक्ट से मुझे ये क्योर मिल गया है। और इनफैक्ट के मैं मेरे अब इस प्रोडक्ट की मेरी रिकमेंडेशंस इतनी ज्यादा है कि मेरे इसके तकरीबन तकरीबन इतने अच्छे कस्टमर्स हैं कि मैं कहती हूँ कि अगर मैं वो खुद मुझसे मांगती है प्रोडक्ट्स कि मुझे हमें एलोवेरा का जो सनस्क्रीन है वो हमें दें। उन्होंने भी यूज किया, स्पेशली जो सेंसिटिव स्किन वाली फीमेल्स हैं उनको इचिंग होती है जब वो यूज करती हैं कोई भी सनस्क्रीन यूज करती है, तो एक तो उसकी थिक लेयर की वजह से, दूसरा उसकी इचिंग होती है, काफी लोगों को जलन का प्रॉब्लम होता है जब वो यूज करती है, तो इसको यूज करने के बाद ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। आज तक जिन्होंने भी यूज किया है वो बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं उनके। थैंक यू सो मच सिस्टर साइमा। ओके तो मैं यहाँ पर ना घरेलू टोटकों में एक जैसे कि सिस्टर महाजबीन ने भी बताया था एंड सिस्टर अस्मा ने भी बताया था, तो उनका एक्सपीरियंस दोनों का सुना। लेकिन यहाँ पर मैं सिस्टर सईदा से भी पूछना चाहूंगी कि उनका घरेलू टोटकों में क्या मतलब उनका एक्सपीरियंस रहा है, अच्छा रहा है या बुरा रहा है? मैंने तो कौन सा घरेलू टोटका नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे शुरू से, मैंने बताया, मुझे एक्नी का इतना शदीद मसला था कि मेरा कॉन्फिडेंस जो है ना अफेक्ट हो रहा था उस चीज़ से। जाहिर है आपका चेहरा ही सब कुछ होता है, तो हर कोई मुझे बताता रहता था चीज़ें कि जी मुल्तानी मट्टी मल लो, तो ये कर लो, तो वो कर लो, लेकिन मुझे कुछ भी सूट नहीं किया, कुछ भी। और उससे उल्टा जो है ना और ज़्यादा एक्नी फूट पड़ती थी। तो हम समझते हैं कि हर्बल चीज़ें और ऑर्गेनिक चीज़ें सेम है, ऐसा नहीं है। जो कुदरती तौर पे चीज़ें उगाई जाती हैं या कुदरती जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, नॉट नेसेसरी कि वो ऑर्गेनिकली उगाई गई हों, उसमें भी केमिकल्स शामिल होते हैं। ये एक टोटली डिफरेंट प्रोसीजर है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्चुअली होती क्या है। तो कहने का मकसद ये है कि हर हर्बल प्रोडक्ट ऑर्गेनिक नहीं होती, लेकिन हर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हर्बल ज़रूर होती है, क्योंकि हर्बल प्रोडक्ट्स में मिलावट होती है, यू नो, खालिस। अब मुझे नहीं पता, अगर किसी ने अगर मुझे कहा है कि हल्दी मलो, अब वो हल्दी कितनी खालिस है, आई डोंट नो। और अच्छा, इसमें फिर एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी घरेलू टोटकों में। मुझे जो है ना, जब भी कोई चीज़ बताई जाती थी वो इस तरह से कि ऐसा कोई इंग्रेडिएंट जो मेरी स्किन को ना ड्राई कर दे,
क्योंकि समझा यही जाता है कि ऑयली स्किन को जो है ड्राई करने की जरूरत होती है, हालांकि ऐसा नहीं है। ये बात मुझे अब पता चली कि ऑयली स्किन भी जो है ना डिहाइड्रेटेड हो जाती है और ड्राई हो सकती है। तो इस हवाले से मुझे जो है रेकमेंड किया गया था ये प्रोडक्ट, अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो, दिस इज फॉरएवर अल्फा ई फैक्टर, दिस इज विटामिन ई ऑयल बेसिकली। और मुझे बड़ी हैरत हुई थी सुन के, जिन्होंने मुझे ये रेकमेंड किया था कि ये तो ऑयल है, मेरी तो स्किन ऑलरेडी ऑयली है, तो मैं इसको कैसे अप्लाई करूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है ना इंतहाई हल्का है और ये आपकी स्किन में फौरन जज्ब हो जाता है, एंड दिस इज नॉट बेसिकली ऑयली, दिस इज टू गिव योर स्किन हाइड्रेशन, नहीं आपकी स्किन को मॉइस्चर देगा और प्लम्पनेस आएगी। और वाकई अभी विंटर सीजन ऑलमोस्ट कराची में तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी पिछले लास्ट फ्यू मंथ्स में इस प्रोडक्ट ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। और ये जो है ना, आप जब स्किन पे आप लगाते हो तो आपकी स्किन प्लम्प यूज़ होती है। आजकल लोग बोटॉक्स लगा रहे हैं और कोलाजिन के इंजेक्शंस ले लेते हैं चेहरे पे प्लम्प प्लम्प दिखने के लिए, लेकिन जब इस तरह की नेचुरल प्रोडक्ट्स और हार्मलेस प्रोडक्ट्स मौजूद हैं तो ज़रूरत ही नहीं है आपको कुछ भी करने की। एग्जैक्टली आपने जैसे कि ये बात बोली है, बोटॉक्स के इंजेक्शन एंड इस तरह से, जी बिल्कुल, एस्थेटिक्स का तो आजकल इतना ज़्यादा है कि लोग भाग रहे हैं इसकी तरफ, और जितना मर्जी इस पे पैसा लग रहा है तो वो लगा रहे हैं। वाइटनिंग इंजेक्शन की बात करें, माइक्रो नीडलिंग, उसके बाद बोटॉक्स आ रहा है और लिप फिलर्स, वो तो और चीज़ हो जाती है, बट वो स्किन को ब्यूटिफाई करने के लिए ही है। तो थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पर हमारी आई होप ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा उनके सबके ये आप सबके रिव्यूज सुन के, एक्सपीरियंस सुन के, एंड नो डाउट FLP प्रोडक्ट्स आर द बेस्टेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसी के साथ मैं यहाँ पर आप सबको अल्लाह हाफिज़ करती हूँ। आई होप आपके लिए ये पॉडकास्ट बहुत अच्छी रही होगी, बेनिफिशियल रही होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।